हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। तो जैसा कि देख पा रहे इधर में हमारा दो रिम है, हब है और स्पोक है। 72 पीस स्पोक है यानी 36 होल का ये आपका रिम है। तो 36 दुने 72 फ्रंट एंड रियर दोनों ही है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे कि रिम किस तरह से बिना जाता है 36 होल का MTV बेसिक मॉडल का रेंजर साइकिल का। तो चलिए प्रोसेस को चालू करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं। उससे पहले हम आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस तरह का रिम बिनना सीखना चाहते हैं कि 36 होल का किस तरह से रिम बिनाया जाता है रेंजर साइकिल का, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए और साइकिल रिलेटेड नॉलेज वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अदर दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा आप लोग को नॉलेज वीडियो मिलता रहेगा, चाहे आप एक मैकेनिक हो या फिर नॉन मैकेनिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, हब में स्पोक को गांथना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, एक एक होल छोड़ करके एक एक होल में स्पोक को डालना है, ठीक है। पहले फ्रंट साइड में डाल लें, ठीक है, उसके बाद फिर आपको रियर साइड में डालना है। ये देखिए, एक एक होल छोड़ करके हम स्पोक को डाल रहे हैं होल में हब का। ये देखिए, एक साइड में जो है हम स्पोक डाल दिए हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। अब चलिए दूसरा साइड में स्पोक को डालते हैं, तो इस तरह से पलट लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों ही हब हम अच्छे से बिन लिए हैं, तो इस तरह से आपको बिन लेना है ऊपर और नीचे माथा देख करके, ठीक है। अब चलिए रिम को बिनते हैं। तो पहले हम आगे चक्का को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये आगे वाला, इसमें हम बॉल बैरिंग नहीं लगाए हुए, हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं एक साइकिल, उसी का व्हील को जो है हम आप लोग को बिन करके दिखा रहे हैं। इस तरह से हब को पकड़ना है। हब को पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि 6 स्पोक पकड़ना है। पहला आपको ऊपर माथा रहेगा, फिर आपको नीचे माथा का स्पोक रहेगा, ठीक है। ये देखिए, रेंजर साइकिल का जितना भी हब है वो सब आपका 6 पर बिनाएगा। ये देखिए, 6 स्पोक हम पकड़ लिए हैं जैसा कि देख पा रहे हैं, 2 4 6, ठीक है। तो नीचे माथा का जो स्पोक रहेगा ये इधर जाएगा 2 और माथा का स्पोक रहेगा वो आपको राइट साइड की ओर जाएगा। और इस तरह से आपको जो है एक्स का निशान बनाना है। ये देखिए, ऊपर माथा वाला जो स्पोक रहेगा वो आपका ऊपर जाएगा और नीचे माथा वाला जो स्पोक रहेगा वो आपका नीचे जाएगा, इस तरह से। और रिम का होल आपको जो है ऊपर देखते हुए बिनना है, एक आगे एक पीछे रहता है, तो ऊपर होल देख करके आपको बिनना है। ये देखिए, ये दोनों ऊपर होल है, ये आपका नीचे होल है, इस तरह से बिनना है। और इस तरह से आपको नेपल फंसाना है, ये देखिए फंसाना जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा रिम को बिनना है। तो चलिए हम फटाफट पूरा रिम को बिन लेते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। एक साइड रिम पूरा कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरा साइड रिम को बिनेंगे तो आपको जो है 6 स्पोक फिर से पकड़ना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, देखिए 2 4 6 स्पोक हो जा रहा है, ठीक है। 6 स्पोक होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से मिलाना है कि जो स्पोक को आप बिनेंगे वहाँ पर आपको दोनों साइड का स्पोक को इस तरह से मिलाना है सेंटर में। ये देखिए, एक बराबर में होना चाहिए, एक बराबर होगा तभी आपको दूसरा साइड में रिम को बिनना है। अगर एक बराबर नहीं रहेगा या फिर कम बेसी रहेगा इस तरह से, तो रिम को आपको नहीं बिनना है, ये आपको एक बराबर में करके ही बिनना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट दूसरा साइड में भी बिन लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं रिम एकदम अच्छे से बिना गया है, तो इस तरह से रिम को बिन लेना है, ठीक है। तो ये आपको 6 पर बिनाया है, जितना भी रेंजर साइकिल होता है वो आपका 6 पर बिनाता है। ये देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों ही रिम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, दोनों ही रिम आपका जो है 6 पर बिनाएगा, फ्रंट रिम हो या फिर रियर रिम हो, दोनों ही रिम आपका 6 पर बिनाएगा 6 स्पोक पर। अगर आप 22 इंच साइकिल का रिम बिन रहे तो आपका 8 स्पोक पर बिनाएगा। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं और 22 इंच साइकिल का किस तरह से रिम बिनाया जाता है आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो कि होता है 28 1/2। उस 22 इंच साइकिल का जो रिम होता है वो आपको 8 पर बिना जाता है। तो जिस प्रोसेस के साथ में हम आप लोग को दिखाएं वो प्रोसेस के साथ में आपका 22 इंच साइकिल का रिम बिना जाता है, सेम प्रोसेस रहता है, कुछ नहीं, सिर्फ 8 और 6 पर देखा जाता है। रेंजर साइकिल का 6 पर और 22 इंच 20 इंच साइकिल का आपको 8 पर बिनाता है, वो भी क्या आपका रियर व्हील बिनाता है, फ्रंट व्हील आपका 6 पर ही बिनाता है। आई होप गाइस, हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, बता दिए कि 36 होल का रिम किस तरह से बिनाया जाता है रेंजर साइकिल का। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नॉलेज वीडियो, ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।